सो हेलो एवरीबडी वेलकम टू द वीडियो सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज़ हम एक नई सीरीज़ जो है वो शुरू करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एंथ्रोपोलॉजी ठीक है तो देखिए जो आपकी प्रपरेशन होती है उसके अंदर काफ़ी सारे स्टेजेस आते हैं ऐसा नहीं है कि आपने किताब खोली कोई एक पर्टिकुलर सोर्स है और उस एक पर्टिकुलर सोर्स को जो है वो आपने फॉलो किया किताब खोली और जो है वो आपकी प्रपरेशन होगी दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स जो आपके पास जनरल डिग्रीज़ होती हैं जैसे आपके पास जो है वो बी एस सी है एम एस सी है एम ए है सो so जो आपके पास यू पी एस सी की प्रेपरेशन है ये काफ़ी अलग होती है इन डिग्री से ठीक है तो आपको जो है वो प्रॉपर जो अपना फाउंडेशन है फ़ाउंडेशन से लेके जो आपका एग्जीक्यूशन है फाइनल एग्जामिनेशन तक हर एक स्टेज को जो है वो आपको प्रॉपरली जो है वो फॉलो करना पड़ता है सो so, उन्ही स्टेजेस के ऊपर जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू वीडियो सीरीज़ हम ये एक न्यू नई जो है वो वीडियो सीरीज़ शुरू करने वाले हैं ताकि जो बच्चे एंथ्रोपोलॉजी की जो प्रेपरेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं दे आर जस्ट इन द दिगनर फेज उनको जो है वो कुछ हेल्प हो सके ठीक है सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो सीरीज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं सो so, उसके ऊपर जो है वो हम पूरी एक वीडियो सीरीज जो है वो शुरू करेंगे इसके अंदर बेसिकली हम जो है वो विल ट्राई टू सी दैट हाउ यू कैन डी कोड द सलेबस कि कैसे जो है वो आप सलेबस को डी कोड कर सकते हैं आप जो है वो नोट्स कैसे बना सकते हैं एंड जो है वो बहुत अलग अलग जो है वो वाट आर द वेरियस सोर्सेज फॉर द प्रप्रेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी फिर उसके बाद करंट अफेयर्स का रेलिवेंस क्या है करंट अफेयर्स का क्या कोई रेलिवेंस है कौन कौन से एंथ्रोपोलॉजी के सेक्शंस हैं जहाँ पे जो है वो एग्जामिनर ढूंढता है कि आपको जो है वो करंट अफेयर्स का जो वैल्यू इनरिचमेंट है वो किया करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके बाद जो है नोट्स के अंदर ही वॉट आर द डिफरेंट जो आपके पास की हैं की फ्रेजेस होते हैं उनको कैसे लिखना है एंड वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू डू दी आंसर राइटिंग आंसर राइटिंग जो है वो आपके पास जो है वो कैसे करनी है ठीक है तो ये जो आपके पास जो हम अब जो आप वीडियो देखने वाले हैं दिस वीडियो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक एन इंट्रोडक्टरी वीडियो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है बाकी जो आने वाली वीडियोस हैं उनके लिए ठीक है तो इसके अंदर बेसिकली आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि आपका जो है जो कोर्स ऑफ योर प्रेपरेशन वो किस तरह से जो है वो होना चाहिए ठीक है हाउ शुड बी कोर्स ऑफ योर प्रेपरेशन हाउ यू शुड अलाइन यूर आपने जो है वो अपनी साइकी कैसे बना के रखनी है ठीक है तो उस तरह से जो है वो हम चीज़ों को बेसिकली जो है वो इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जो है वो करने की कोशिश करेंगे सो समथिंग अबाउट माई सेल्फ सो आई हैव डन बी इन कंप्यूटर साइंस फ्राम डी ए वी कॉलेज चंडीगढ़ पंजाब यूनीवर्सिटी अंडर पंजाब यूनिवर्सिटी आई हैव डन एम एंथ्रोपोलॉजी फ्राम पंजाब यूनीवर्सिटी आई हैव क्वालिफाइड यू जी सी नैट एग्ज़ामिनेशन एंड जे आर एफ एग्ज़ामिनेशन एंड देन आई हैव रिटन सम ऑफ द रिसर्च वर्कस यू कैन फाइंड सम ऑफ माई रिसर्च वर्क एट द रिसर्च गेट डॉट नेट वहाँ पर जो है वो आप जो है वो मेरे कुछ रिसर्च वर्कस को जो है वो पढ़ सकते हैं उनको देख सकते हैं Uh, I have done research on the agricultural problems in Punjab. आपके पास जो anemia का incidence है Malwa region के अंदर वहाँ पर जो है वो uh, I have done certain research. तो वहाँ पर जो है वो आप जो है uh, uh, जो political बिहेवियर है पंजाब के अंदर उसके ऊपर जो है uh, वहाँ पर जो है वो मेरे कुछ काम जो है वो आपको मिल सकते हैं ठीक है सो दिस इज़ अबाउट मी अगर आप यू की जर्नी की बात करें आई हैव गिवन टू मेन्स एग्जामिनेशन मैंने जो है वो दो मेन्स एग्जामिनेशन दिए हैं ठीक है सो लेट्स सी अबाउट दी द स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन कि आपके पास जो है स्टेजेस ऑफ़ प्रिपरेशन जो है किस तरह से जो है वो आपको प्रिपेयर करना चाहिए जो देखिए इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेल स्टेबलिश्ड आउट देयर कोई ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ जो है वो आपके पास जो है वो कुछ वेल इस्टेब्लिश जो चीज़ें होंगी ऐसा जो है वो कुछ नहीं है ये स्टेजेस जो है वो मैंने अलग अलग एस्पिरेंट्स को देखा है प्रपेयर करते हुए मैंने भी प्रपेयर किया है मैंने भी कुछ गलतियां की हैं उन गलतियों से सीखा है प्रपरेशन के दौरान क्या गलतियां एस्पिरेंट्स करते हैं उनको जो है वो एनालाइज़ किया है और कुछ मैंने जो है वो फॉर्म बनाया है फॉर्म मतलब कुछ जो है वो मैंने एक आइडियल स्ट्रक्चर बनाया है कि कैसे जो है वो आपको प्रिपेयर करना चाहिए तो उसके लिए आई हैव डिवाइस्ड दीज थ्री स्टेजेस तो तीन स्टेजेस को मैंने जो है वो उसके लिए डिवाइस किया है पहली स्टेज है आपकी स्टेज कंसेप्चुअल क्लैरिटी की इसको मैं जनरली कहता हूं दैट द दिस इज द स्टेज ऑफ इंजॉयमेंट ये जो है वो आपके पास इंजॉयमेंट का स्टेज है इंजॉयमेंट का स्टेज क्यों है क्योंकि यहाँ पे जनरली जो है वो लोड सबसे कम होता है एस्परेंट के ऊपर यहाँ पे लोड सबसे कम होता है और सबसे कम होना भी चाहिए ठीक है एसपरेंट को जो है वो जनरली एसपरेंट शुड ट्राई टू इन्जॉय दी डिसिप्लिन एज मच एज पॉसिबल ठीक है आप जो है वो बेसिक चीज़ों को पढ़िए बेसिक चीज़ों को इन्जॉय कीजिए उसके अंदर इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट कीजिए ठीक है आप जितना जो है वो पहली स्टेज के अंदर आप जितना जो है वो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इंजॉय करने वाले हैं उतना ही जो है वो अगली स्टेजेस आपके लिए जो है वो बेहतर होंगी अगली स्टेजेस उतना ही जो है वो आपको जो है वो एक रिज़ल्ट जो है वो ला के देंगी ठीक <coughs> है सो <So> बेसिकली <coughs> इसके अंदर पहली स्टेज के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये देखना होता है दैट वाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी इसके अंदर जो है वो आपके पास जो सिलेबस है वो एंथ्रोपोलॉजी का क्या कह रहा है वो कि सिलेबस के अंदर जो है वो आपको किस डायरेक्शन के अंदर जो है वो चीज़ों को करना है किस डायरेक्शन के अंदर जो है वो आपको फ्लो करना है ठीक है देन उसके बाद इसी के अंदर जो है वो आपको जो है वो सारे के सारे जो बेसिक मटेरियल्स हैं सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको रीड करनी होती हैं फिर आपके पास जो दूसरी स्टेज आती है दिस स्टेज इट इज़ नोन एज स्टेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इस स्टेज के अंदर द कंसेप्ट दैट यू हैव ऑलरेडी डेवलप्ड इन कंसेप्ट को और पुख्ता करने की आप कोशिश करते हो इस फाउंडेशन को जो है वो आप और मजबूत करने की कोशिश करते हो ठीक है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के अंदर जो है वो और बढ़िया चीज़ हो जाती है अगर आपके पास जो है वो कोई मेंटर होता है दिस मेंटर इट कुड बी सम वन हु इज़ इन दी कोचिंग कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर है वो भी मेंटर बन सकता है कोई आपका जो है वो कोई सीनियर है वो भी जो है वो आपका मेंटर बन सकता है सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के अंदर बेसिकली जो है वो आपको चीज़ों को इन्जॉय करना है ठीक है जो किताबों को जो है वो आपको पढ़ना है चीज़ों को गैदर करना है बेसिकली आपको जो है वो इनसाइट्स डेवलप करने हैं एक कंसेप्ट्स के अंदर ठीक है देन आपके पास जो है डायवर्सीफिकेशन कंसेप्ट क्या है ये सिलेबस का जब हम डी वीडियो डालेंगे तो उसके अंदर साफ साफ जो है वो कंसेप्ट आपको जो है वो नज़र आ जाएंगे देन आपको जो है वो डाइवर्सिफिकेशन करना है डाइवर्सिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि बेसिकली आप जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल द कंसेप्ट इज वेस्टर्नाइजेशन और द संस्कृताइजेशन जो कन्सेप्ट है वो आपके पास संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट है ठीक है या फिर वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट है या अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट है कोई भी एक कंसेप्ट ले लिया आपने कंसेपचुअल क्लैरिटी के अंदर लेट से संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट है आप सिर्फ एक ऑथर के प्रस्पेक्टिव से पढ़ोगे एम एन श्रीनिवास के प्रस्पेक्टिव से जब आप डाइवर्सिफ़िकेशन करते हैं तब आपके पास सबसे अहम चीज़ आती है जिसके अंदर आपने संस्कृताइजेशन का जो क्रिटिकल एनालिसिस है जो क्रिटिकल एनालिसिस है संस्कृताइजेशन का वो आपको जो है वो करके दिखाना होता है दैट संस्कृताइजेशन जो है वो किस तरह से जो है वो अलग अलग ऑथर्स के प्रस्पेक्टिव से जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है तो इसके अंदर जो है वो एस सी के बारे में भी जो है वो आप पढ़ेंगे कि ऐसे दु, ऐसी दूबे ने जो है संस्कृताइजेशन को किस तरह से जो है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है फिर उसके बाद जो है वो आप योगेंद्रा सिंह जो है वो आपके पास जो कैस किस तरह से मॉडर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन को जो है वो दोनों को जो है वो कंपेयर करते हैं ठीक है तो इस तरह से आगे और लोगों के बारे में जो है वो पढ़ते जाएंगे इसको हम कहते हैं दिस इज़ द स्टेज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन स्टेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन के अंदर प्लीज़ हैव द गाइड ऑफ योर हैव द गाइडेंस ऑफ़ योर मेंटर अपने मेंटर की गाइडेंस के अंदर रहिएगा और अलग अलग जो आपके पास पेपर्स हैं जैसे आपके पास जो शोध गंगा के ऊपर पेपर्स मिल जाते हैं ठीक है आपके पास जो है वो ईपीजी पाठशाला के ऊपर जो है वो कुछ कंटेंट जो है वो मिल जाता है वहाँ पे जो है वो कंटेंट के देर आर टू पेजेस ऑफ कंटेंट ईपीजी पाठशाला के ऊपर दो पेजेस का कंटेंट होता है दो पीडीएफ फाइल जो है वो डाउनलोड होती हैं एक पी फाइल के अंदर जो बेसिक कंटेंट दिया जाता है दूसरा पी फाइल अगेन डाइवर्सिफिकेशन का होता है जिसके अंदर उन्होंने सोर्सेज दे रखे होते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो लिखे गए हैं अगर आप ई अगर आप जो है वो शोध गंगा की बात करो तो शोध गंगा के नीचे भी जब कोई भी आप रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो रिसर्च पेपर के नीचे जो है वो रेफरेंसेस लिखे होंगे सो दोज रेफरेंसेज दे आर फॉर दी डाइवर्सिफिकेशन वो आपके फाउंडेशन को और पुख्ता बनाएगा ठीक है सो द नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है डाइवर्सिफिकेशन की स्टेज अगर आप जो है वो मेरे नोट्स भी पढ़ोगे जो मैं जनरली अपने फाउंडेशन कोर्स के अंदर जो है वो नोट्स देता हूँ उसके अंदर भी दो पार्ट्स के अंदर जो है वो नोट्स को आप इजीली डिवाइड कर सकते हो पहले नोट्स जिसके अंदर जनरल जो है वो चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है फिर एक सेक्शन बनाया जाता है क्रिटिकल एनालिसिस, खास करके जो पेपर टू है उसके अंदर ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल आप सेक्रेड कम्प्लेक्स पढ़ोगे सेक्रेड कम्प्लेक्स के अंदर जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है दैट इज़ फ्रॉम दी परस्पेक्टिव ऑफ़ एल विद्यार्थी वो मैंने पूरा का पूरा जो है वो एल विद्यार्थी का जो है वो कंसेप्ट वो दिया है फिर उसके बाद अलग अलग लोगों ने सेक्रेड कंप्लेक्स की री स्टडीज़ कैसे किया है जैसे आपके पास बी एन सरस्वती ने क्या जो है वो आपके पास स्टडी की है ठीक है गया ने क्या स्टडी किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो इस तरह से जो है वो आपके पास अलग अलग लोगों का जो है वो प्रस्पेक्टिव उसके रिगार्डिंग जो है वो बताया गया है ठीक है सो so, जो दूसरी स्टेज है ये बहुत अहम स्टेज है बच्चे इस स्टेज को जनरली जो है वो भूल जाते हैं द स्टेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अपनी जो आपके पास सोर्सेज हैं उनको और डायवर्सीफाई कीजिए और डाइवर्सीफकीसन कैसे हो कि विद द कंसेप्ट ऑफ मेजरली टू वेबसाइट्स शोध गंगा और आपके पास जो है वो ई पी जी पाठशाला ई पी जी पाठशाला पर जो दूसरा आपके पास सोर्सेज वाला जो है वो एक जो पर्चा आएगा उससे जो है वो आपकी डायवर्सीफिकेशन होगी ठीक है इस जो ये वाली जो स्टेज है इसके अंदर कुछ लोग तो जो है वो आपके पास इंजॉय करते हैं इस स्टेज को भी एंजॉय करते हैं कुछ लोग जो है वो इस स्टेज के अंदर जो है वो बोर हो जाते हैं कि ये जो है वो क्या मत्तापची हो रही है कि कहाँ कहाँ पे हमें भागना पड़ रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है दिस सेकेंड स्टेज इट इज़ स्टेज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है तो आपके पास पहली स्टेज के अंदर जो है जो अगर मैं बहुत हाइपोथेटिकली मानूं तो आपके पास 230 नंबर के करीब जो है वो आप पहली स्टेज के ऊपर और आंसर राइटिंग के ऊपर आंसर राइटिंग इसी से करके जो है वो आप खींच सकते हो फिर उसके बाद जो 290 सौ नब्बे तक ये जो पूरी आपकी गाड़ी है वो आपके पास जो है वो तीसरी स्टेज दूसरी स्टेज जो है वो लेके जाती है फिर तीसरी स्टेज है द स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन तभी पॉसिबल है अगर एफिशिएंटली पहली दो स्टेजेस जो है वो की गई हैं स्टेज ऑफ एक्जीक्यूशन के अंदर बेसिकली आप क्या करते हैं आप आंसर राइटिंग करते हैं ठीक है यू जनरली डू दी आंसर राइटिंग आप जो है वो आंसर राइटिंग करते हो आंसर राइटिंग के अंदर जो है वो कैसे क्या किया जाता है कि आप जो है वो जैसे डेली आंसर राइटिंग करो यू जनरली सी दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के जो है वो आप चीज़ों के ऊपर जो है वो अपना जो चीज़ों को जो है वो बनाने की कोशिश कीजिए ठीक है अगेन यू नीड अ मेंटर हेयर कोई भी जो है जो आपका सीनियर है जो जो आपका जो है जिस जहाँ पे आपको जो है वो लग रहा है कि ही और शी कैन डू द वर्क ठीक है उनको जो है वो आप अपने आंसर्स लिख के जो है वो दिखाइए तो आंसर्स के अंदर दो सबसे अहम चीज़ें होती हैं एक होती है आपके पास स्ट्रक्चर और दूसरा होता है आपके पास कंटेंट कंटेंट पहली दो स्टेज से आता है स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड जो यहाँ पे जो बेसिक काम किया जाता है वो किया जाता है स्ट्रक्चर के ऊपर कि किस तरह से जो है वो इंट्रोडक्शन लिखना है फिर उसके बाद कैसे जो है वो बॉडी और इंट्रोडक्शन के बीच में कनेक्शन बनाना है कंक्लूजन के अंदर जो स्टैंड है वो किस तरह से लेना है ठीक है कंक्लूजन किस एंगल के ऊपर करना है जो इंट्रोडक्शन है उनके अंदर जो है वो किन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम डालने हैं कैसे डालने हैं जो पहली लाइन है वो किस तरह से जो है वो आपको जो है वो समराइज करनी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा देर आर सर्टन टेक्निकलिटीज जो कि इसके अंदर आती हैं ठीक है अगेन द थर्ड स्टेज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरी स्टेज तो इस तरह से ये जो तीनों स्टेजेस हैं ये आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ठीक है सो इन द फर्स्ट स्टेज आपके पास जो है आपके पास पहली स्टेज के अंदर ये आ जाता है दैट यू शुड नो सिलेबस वेल आपको अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए इसी के ऊपर जो है वो हम डी कोडिंग एंथ्रोपोलॉजी सिलेबस ये जो वीडियो है ये हम बनाएंगे जिसके अंदर सिलेबस का एक एक टॉपिक लिया जाएगा और उस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है आपने उसको जो है वो समझाया जाएगा यानी कि उस टॉपिक को क्यों डाला गया है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके पास जो है वो जेनेटिक मार्कर के अंदर जी जो है वो डाला गया है अब जी का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम को पढ़ने बैठ जाना है जी को एज़ अ जेनेटिक मार्कर वहाँ पे लिखा गया है तो जी की फ्रीक्वेंसी देखनी है जो आपके पास अल्ज़ की फ्रीक्वेंसी है वो इसके अंदर देखनी है ठीक है तो इस तरह से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से डाला गया है तो उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपको पढ़ना है मैरिज को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से डाला गया है किनशिप को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से डाला गया है जो आपके पास पूरा किनशिप चैप्टर है वो दो पार्ट्स के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं सवाल भी वैसे ही पूछे जाते हैं एक है फ्रॉम द प्रस्पेक्टिव ऑफ़ द डिसेंट थ्यूरिस्ट दूसरा है फ्रॉम द प्रस्पेक्टिव ऑफ़ द अलायंस थ्यूरिस्ट्स

उसके अंदर आपको टारगेट सोर्सेज के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन सी किताबों को जो है वो पढ़ना है ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं सर वो भी किताब पढ़ रखी है वो भी किताब पढ़ रखी है वो भी किताब पढ़ रखी है वो भी पढ़ रखी है फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि इतना समय कैसे मिल गया आपको किताब पढ़ने का तो वो आधी आधी सब पढ़ लीजिए ठीक है या फिर एक एक रीडिंग ले लीजिए एक रीडिंग एम्बर एंड एम्बर की ले ली एक रीडिंग इसकी ले ली एक रीडिंग इसकी ले ली एक रीडिंग इसकी, इसकी ले ली इस तरह से जो है वो काफ़ी सारी किताबें पढ़ दी लेकिन जो है वो याद कुछ भी नहीं तो आपको टारगेट सोर्स जो है वो पता होने चाहिए टारगेट सोर्स के पता होने से जो सबसे बड़ी चीज़ होती है जो सबसे अहम चीज़ होती है आपके पास वो ये होती है कि आपको जो है वो आप लिमिट कर सकते हो अपने आप को आपको जो है वो रिवीजन का टाइम मिल जाता है ठीक है रिवीजन का जितना टाइम मिलेगा जितनी रिवीजन करे करोगे यू शुड बी यू वुड बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आप चीज़ों का क्रक्स निकाल पाओगे आप चीज़ों के जो लाइंस के जो बिटवीन पढ़ने की जो एक क्षमता है वो आप जो है वो डेवलप कर पाओगे मोस्टली बच्चे जो है वो रट्टा लगाते हैं ठीक है वो क्रक्स नहीं निकाल पाते कि जो है वो आपके पास क्या लिखा गया है देन द थर्ड स्टेज इट इज़ मेकिंग योर ओन नोट्स आप अपने नोट्स बनाइए जो क्रक्स आपने जो है वो निकाला है टारगेट सोर्स से बार बार रिवाइज करके उस क्रक्स को लिखिए और आपके पास जो कीवर्ड्स हैं जो कीवर्ड्स हैं उनको लिखिए आप इसी चैनल के ऊपर मेरी बाकी वीडियोस देखिए जिसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर मैं जनरली कुछ की को या तो स्क्वायर के अंदर सर्कल के अंदर या फिर आपके पास अंडरलाइन कर देता हूँ वो होते हैं कीवर्ड्स उन कीवर्ड्स को ज्यों के त्यों जो है वो आपके पास आंसर में लिखना होता है आपको जब तक आप वो कीवर्ड्स नहीं लिखोगे जब तक आप एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन का जो कैब है वो नहीं बनाते तब तक जो है वो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देता बहुत सिंपल है तो आपके नोट्स बने होने चाहिए आपके नोट्स के अंदर आपका जो है वो क्रक्स होना चाहिए और उसके साथ साथ जो कीवर्ड्स हैं वो भी होने चाहिए तब जाके जो है वो पहली स्टेज आपकी जो है वो मुकम्मल होती है फिर आपके पास दूसरी स्टेज आती है जिसके अंदर जो है वो आप अपने सोर्सेज से आगे बढ़ते हो थोड़ा सा एक कदम जो है वो आगे रखते हो सो so, रीड फ्रॉम ईपीजी पाठशाला एंड शोध गंगा शोध गंगा और ईपीजी पाठशाला से जो है वो पढ़िए और ख़ास करके जो बच्चे ज़्यादातर मिस कर देते हैं रेफरेंस जो है जो आपके पास रेफरेंसेस दिए जाते हैं या फिर आपके पास जो सोर्सेज हैं जो लिखे जाते हैं उन सोर्सेज को प्रॉपरली देखिए उन सोर्सेस को पढ़िए उन सोर्सेस के क्रक्स को पढ़िए इंटरनेट पे जो है वो चीज़ों को आप अगर देखोगे अगर आप इंटरनेट के चीज इंटरनेट पे जो है वो चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे देर विल बी एम्पल अमाउंट ऑफ मटीरियल बहुत मटीरियल मिल जाएगा और बहुत ज़बरदस्त मटीरियल मिल जाएगा ठीक है सो गो फॉर दीज टू वेबसाइट्स ई पी जी पाठशाला और शोध गंगा के लिए जो है वो जाइए यहाँ पे रेफरेंसेस देखिए सोर्सेज देखिए कि उन्होंने अगर लिखा है तो कौन कौन से सोर्सेज से लिखा है कहाँ से लिया है इन्होंने रेफरेंस कहाँ से लिया है अगर कोई रिसर्चर रिसर्च पेपर लिख रहा है तो उसका रेफरेंस क्या है दीज थिंग्स आर इमेंसली इम्पॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें देन उसके बाद तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो और आती हैं लिंक विद दी करंट जो आपके पास करंट है कुछ आपके पास जैसे ट्राइबल्स हैं ठीक है जैसे आपके पास कुछ इंडियन आर्कोलॉजी वेस्टर्नाइजेशन वगैरह का आपके पास जो है वो सेक्शन आ जाता है पेपर फर्स्ट के अंदर जो है वो आपके पास आ, आपके पास जो है वो कुछ सेक्शन आ जाता है डेमोग्राफी का सेक्शन आ जाता है ठीक है ऐसा कुछ आपके पास पेपर फर्स्ट के अंदर सेक्शन है पेपर सेकेंड के अंदर सेक्शन है तो उसके अंदर जो है वो आपको थोड़ा सा जो है वो चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है यू हैव टू लिंक विद द करंट डेवलपमेंट्स एक तो है कि मेरा ही चैनल है एंथ्रोपोलॉजी केस स्टडीज़ उसके अंदर जो है जो भी आपके पास रेलिवेंट चीज़ें हैं वो जो है वो डाल दी जाए करेंगी मैंने थोड़े टाइम के लिए जो है वो इसको बंद किया था बट नाउ आई एल री स्टार्ट इट मैं दोबारा से जो है वो इसको री स्टार्ट करूँगा देन उसके बाद यही एक और जो है वो हम वीडियो सीरीज़ चलाएंगे जिसके अंदर जो करंट में न्यूज़ बनी रही हैं और जो एंथ्रोपोलॉजी के लिए जो है वो रेलिवेंट हैं उनको जो है वो डाला जाएगा देन देयर इज़ दिस वेबसाइट साइंस डायरेक्ट डॉट कॉम ठीक है इस जो है वो यू आर एल के ऊपर जाइए उसका सेक्शन है एक एंथ्रोपोलॉजी का एक डेडिकेटेड सेक्शन है ठीक है आप इसको भी जो है वो पढ़ सकते हैं इफ़ यू हैव टाइम ठीक है एंथ्रोपोलॉजी देखो बहुत वाइड है एंथ्रोपोलॉजी का जो एक ओरिजन है ये कोई यूपीएससी पी एस्परेंट के लिए नहीं हुआ एंथ्रोपोलॉजी का जो एक ओरिजन है वो आपके पास जो है वो इट इज़ बहुत वाइड है और एंथ्रोपोलॉजी का जो स्कोप है यूपीएससी के अंदर तो सिर्फ आप जो है वो टिक टिप ऑफ आइसबर्ग देखते हो एंथ्रोपोलॉजी इट्स अ वेरी वाइड वाइड डिसिप्लिन बहुत बड़ा डिसिप्लिन है ये तो होता क्या है कि आपके पास जब आप जो है वो यहाँ पे जाओगे देर विल बी मैनी इ रेलीवेंट टॉपिक्स बहुत सारे इ रेलीवेंट टॉपिक्स होंगे तो ये पहली स्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे यहाँ से टॉपिक पिक करते हो ठीक है एंड यू शुड हैव मेंटर कुछ आपके पास मेंटर जो है वो कोई ना कोई होना चाहिए कोई बड़ा व्यक्ति आपके पास जो है वो होना चाहिए जो कि ये बता सके कि रेलिवेंट क्या है और इरेलीवेंट क्या है ठीक है जनरली जो आपके पास रेलिवेंट स्टफ़ है आई विल ट्राई कि मैं जो है वो एंथ्रोशाला के ऊपर ही जो है वो सारा जो है जो भी मटीरियल है वो आपको जो है वो अवेलेबल कर दूँ आप यहाँ से ही जो है सारी चीज़ें देख सको ठीक है देन उसके बाद जो है अगली स्टेज अगली स्टेज के अंदर पहली जो आपके पास स्टेप है दैट इज सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर और पास्ट ईयर क्वेश्चन जो पास्ट ईयर क्वेश्चन हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कीजिए सॉल्व करके जो है वो किसी व्यक्ति को जो है वो दिखाइए देन उसके बाद जो है वो राइट डेली रोज़ लिखिए और रोज़ जो है वो उसका एवेल्युशन करवाइए क्योंकि अगर आप रोज़ लिखेंगे देन आप जो है दो चीज़ों के अंदर जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका जो हाथ है वो दो तीन चीज़ों के अंदर जो है वो बढ़िया हो जाएगा एक तो है कि आप क्वेश्चन की थीम को समझो समझ सकोगे फिर उसके बाद उस थीम को एड्रेस कैसे करना है उस चीज़ को जो है वो आप लिख सकोगे समझ सकोगे फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ है आपको प्रेजेंट कैसे करना है आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है उस चीज़ को जो है वो आप समझ सकोगे ठीक है सो एड्रेस कैसे करना है डिमांड ऑफ क्वेश्चन स्ट्रक्चर कैसे करना है कंटेंट को इन चीज़ों को जो है वो आप समझ सकोगे ठीक है सो बेसिकली ये जो है ये आपके पास तीसरा स्टेज होता है द स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन ठीक है तो यहां पे जितने भी हमने स्टेप्स किए थे किए हैं आईल ट्राई कि हर एक के ऊपर जो है वो आपको वीडियो कंटेंट दिया जा सके और आपको जो है वो अच्छे से गाइड किया जा सके कि कैसे जो है वो चीज़ों को करना है बेसिकली गाइडेंस ही होती है जो कि आपको जो है सिलेक्शन तक जो है वो लेके जाएगी ठीक है कई लोग जो है वो जल्दी समझ जाते हैं जल्दी सिलेक्शन मिल जाता है कई लोग जो है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं थोड़े से टाइम से जो है वो उनको सिलेक्शन मिलता है सो इट्स ऑल अबाउट द द होल गेम इट्स अबाउट ऑल अबाउट दी गाइडेंस एंड परसिवरेंस गाइडेंस और परसिवरेंस का गेम है यह सारा का सारा जो है जितना मैंने समझा है इसको यह गाइडेंस का और आपके पास जो कितना देर आप रेस के अंदर बने रहते हो उसका जो है वो ये पूरा का पूरा जो है वो इम्तहान है पूरा का पूरा जो है वो गेम है ठीक है सो दीज आर द्री स्टेज तो आई होप आपको एक जो है वो हल्का सा ब्लू जो है वो मिल गया होगा कि जो है वो आपको चीज़ों को किस तरह से बनाना है किस तरह से जो है वो आपको करना है चीज़ों को ठीक है सो फ्रॉम दिस ब्लू प्रिंट वी विल स्टार्ट वन बाय वन हम एक एक चीज़ को पकड़ेंगे पहले सिलेबस को पकड़ेंगे सिलेबस को कैसे किया जाना चाहिए उसको प्रॉपरली एड्रेस करेंगे फिर उसके बाद जो है वो सोर्सेज को देखा जाएगा कि बिगिनर्स के लिए सोर्सेज़ कौन से अच्छे हैं उन सोर्सेज़ को किस तरह से पढ़ना है फिर उसके बाद जो है वो वहाँ से नोट्स कैसे बनाने हैं फिर उसके बाद जो है वो आगे चल के किस तरह से जो है वो आपके नोट्स को और इनरिच वैल्यू ऐड कैसे करना है उसके अंदर ठीक है करंट अफेयर्स की सीरीज़ तो जो है वो साथ के साथ आई विल ट्राई कि जितना जो है वो ज़्यादा उसके अंदर जो है चीज़ों को रखा जा सके जितना ज़्यादा आपको प्रोवाइड किया जा सके उतना जो है वो हम करें उसको सो so, आपके पास जो साथ के साथ जो है उन चीज़ों को जो है वो लिखा जाएगा ओके okay? सो so, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको जो है वो यहाँ पे मुहैया जो है वो होती रहेंगी ठीक है चलिए आई होप दिस लेक्चर और दिस वीडियो इट वॉज़ वर्थ वॉचिंग फॉर यू आपने कुछ सीखा होगा इसके अंदर थैंक यू वेरी मच